सब्सक्राइब कीजिए सुमसा टेक्निकल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सुमसा टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं इस फोन की। जी हाँ दोस्तों, इस फोन को देखकर आप पहचान तो गए होंगे कि ये कौन सा फोन है। तो दोस्तों, ये है जियो का कीपैड वाला 4G फोन जो हमारे पास आ गया और आज हम इसे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सुमेर चंद और आप देख रहे हैं सुमसा टेक्निकल। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस फोन के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इस फोन के जो फीचर्स है, सबसे पहले इसके बॉक्स पर दे रखे तो हम इसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जियो के जो है स्पेस में आप देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको मिलेगा जियो फीचर्स में HD वॉइस कॉलिंग और HD वीडियो कॉलिंग, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसमें आपको मिलेगा GPS और ब्लूटूथ और इसके अलावा आपको मिलेगा वायरलेस FM रेडियो, यानी कि आप इसको बिना ईयरफोन के भी इसमें FM सुन पाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी। और इस जियो की स्पेस के बारे में बात करें तो इसकी आपको मिलेगी 6.009 cm की, यानी कि 2.4 inch की QVGA TFT डिस्प्ले मिलेगी। और इसमें आपको मिलेगा 2 megapixel का रियर कैमरा और प्लस VGA कैमरा मिलेगा। इसमें आपको बैटरी मिलने वाली है 2000 mAh की और 512 MB की इसमें आपको मिलेगी रैम और 4GB इसमें होगी आपकी इंटरनल मेमोरी। और आप इसमें लगा सकते हैं 128 GB तक का एक्सटर्नल SD कार्ड और इसमें जो है 3.5 mm का ऑडियो जो सपोर्ट करता है, जिससे आप सुन सकते हैं बहुत सारे म्यूजिक। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसके अंदर मिलेगी बहुत सारी प्रीलोडेड एप्स, जिसमें आप जानते हैं सभी जियो की एप्स के बारे में, जिसमें आपको मोस्टली मिलेगी एक जियो चैट जिसके माध्यम से आप किसी भी फोन पर चैट वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा एक योर पर्सनल वॉइस असिस्टेंट, यानी कि जो आपके हेलो जियो जिसे ही कहेंगे तो ये आपकी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपको मिलता है पे विथ जियो का ऑप्शन इसमें, और लिसन म्यूजिक के लिए आपको मिलेगा जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जिसके माध्यम से आप अपने सारे इंटरटेनमेंट के चैनल इसी पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फोन को हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं जियो को जो है अपने के टीवी से जोड़ा गया। यहां लिखा वॉच ऑन टीवी सिंपली बाय कनेक्टिंग द जियो मीडिया केबल। तो दोस्तों, ये केबल आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी, ये आपको इसके साथ में नहीं मिलेगी। तो हम इसको करते हैं अनबॉक्स और यहां से इस निकालते हैं इस फोन को यहां से बाहर। और तो चलिए देखते हैं इस फोन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये फोन निकाल लिया। यहां इसके अंदर अभी बैटरी हमने नहीं लगाई है, तो हम इसमें बैटरी वगैरह भी लगा देते हैं। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा, चलिए इसमें आपको मिलेगा एक चार्जर, ये देख सकते हैं आप, जिसकी केबल की जो है साइज ठीक ठाक है, जिसे आप आसानी से आप कंफर्टेबल के साथ में इसे चार्ज में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा एक बैटरी मिलेगी आपको इसके अंदर, चलिए ये आपको मिलने वाली इसमें 2000 mAh की लाइफ की मैट बैटरी। और इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा एक, खास तो कुछ नहीं है इसमें, एक आपको मैनुअल गाइड मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये हो जाता है हमारा डब्बे के बाद में। अब हम इसको करते हैं थोड़ा वीडियो को पॉज और मैं इसमें लगा देता हूँ बैटरी को और फिर हम इसको स्टार्ट करके आपको बताते हैं इसके बारे में आगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मेरे सामने, इस आपके सामने ये फोन है, इसमें मैंने सिम ऑलरेडी इसमें लगी आती है, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं तो इसको आपको वेरीफाई करके दे देगा आपके आधार कार्ड से जोड़ के। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट है, तो ये आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये जो फोन है आपका सिंगल सिम है। इसमें आपको जियो के अलावा और कोई सिम यूज नहीं कर सकते हैं, केवल जियो की यही सिम इसमें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें लगा देते हैं बैटरी और मैं इसको ऑन करता हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं और फिर आपको बताएंगे। वो जैसे ही ऑन होता है मैं आपको बताऊंगा इसके फीचर्स के बारे में, क्या है इसका वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, क्या है इसका हॉटस्पॉट चलाने का तरीका। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर वेट कीजिए, तब तक मैं इसको करता हूँ पॉज और फिर शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त जो है हमारे सामने मैंने इसके अंदर बैटरी लगा दी है और ये हो रहा है ऑन। जैसे ही ऑन होता है हम देखेंगे स्क्रीन पर, चलिए तो ये हो गया है जियो डिजिटल लाइफ, ये आ गया है जियो का लोगो। इसी का बहुत ही, इस देखने में फोन बहुत ही अच्छा है, एक जिस प्राइस पर ये मिल रहा है इस प्राइस पर बहुत ही अच्छा फोन कह सकते हैं। इसमें आपको, आप जैसे ही आप ये फोन लेते हैं तो आपको इसमें रिचार्ज कराना पड़ता है 153 का, और इसमें आपको मिलता है 1 month अनलिमिटेड कॉलिंग एंड डेटा। दोस्तों, इसके अलावा इसका जो कैमरा है, जैसे कि आप पता देख सकते हैं 2 megapixel का है, तो ज्यादा इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। मैं आपको इसकी जो है इमेज वगैरह लेके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, ये ओपन हो गया और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सारे डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर जैसे हम मिडिल बटन को क्लिक करते हैं ये हमारे सामने खुल जाएगा इसके सारे एप्स। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कैमरा का ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इसका करते हैं कैमरा ऑन और फिर हम इसके बारे में देखते हैं क्या है इसका कैमरा का फीचर्स। चलिए यहां से कैमरा ऑन करेंगे और देख सकते हैं इस वक्त आप,
चलिए ये हो गया कैमरा, यानी कि आप इस वक्त कैमरे की क्वालिटी फोन के माध्यम से देखते हैं, तो जो इसका 2 मेगापिक्सल कैमरा बैक कैमरा इसको कह सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा है, इससे आपकी वीडियो कॉलिंग में बहुत ही अच्छा खासा काम आने वाला। तो वीडियो कॉलिंग के जरिए से दिया गया, तो ये बहुत ही अच्छा फोन है। आप देख सकते हैं इसका हम प्रीव्यू देखेंगे तो देख सकते हैं इस वक्त आप देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी कैमरे की दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमने कैमरे की बात की तो कैमरा इसका बहुत अच्छा है, यानी कि जिस दाम पर ये फोन मिल रहा है उसमें आपको ये कैमरा बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इसमें इस फोन की खास बात मैं बता दूं दोस्तों, ये जो है थोड़ा सा स्लो चलता है क्योंकि इसकी जो रैम है वो 512 MB की है, तो ये ज्यादा फास्टली आप काम नहीं कर सकते, जितना आप स्मार्टफोन को यूज करते हैं इतना तेजी काम नहीं करेगा। और इसमें बैक आने के लिए आपको ये रेड बटन है इसको धीरे धीरे प्रेस करना होता है, अगर आपको एक बार आना है तो ये एक बार इसी को प्रेस करना, कॉल कट करने के लिए भी आप इसी का प्रयोग करते हैं और बैक आने के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। ये फोन जिसमें जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो पसंदीदा जो आपके हैं वो इसमें जोड़े गए होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेगा। और जैसे ही आपको अगर फ्लैश लाइट बैटरी वगैरह अगर आप देख सकते हैं इसके जैसे ऊपर वाले कीपैड को अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बैटरी वॉइस और डाटा का भी आपको यहीं से होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं कैमरा, ये वाले सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। और इसके अलावा आपको जो नीचे वाले बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा जियो का जो है म्यूजिक, यानी कि आपको यहाँ पर म्यूजिक मिलता है। और लेफ्ट साइड के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कैमरा। और इसके अलावा आपको हो जाएगा जैसे आप राइट साइड के बटन को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा जियो मैसेज का ऑप्शन, यहाँ से आप मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं इसके अब बात करते हैं हम जियो टीवी की, तो चलिए हम यहाँ से मैं आपको जियो टीवी को प्ले करके दिखाऊंगा और देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है चलता है। चलिए मैं सबसे पहले सोनी पल को यहाँ पर प्ले करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि भाई जियो टीवी इसमें आप चला सकते हैं और आपके अपने जो सारे एंटरटेनमेंट चैनल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी जियो हैं ये जियो की जितनी भी सारी एप्स हैं वो आपको यहाँ पर फ्री में इसको कर सकते हैं। इस वक्त दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसमें आप क्लियरिटी जो बहुत ही अच्छी है, ये तो केवल फोन की रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो रही है इसलिए इतनी आपको सपनी चाहिए, लेकिन इसकी जो TFT स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छी तरह से इसको सपोर्ट करता है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसमें इसके अगले फीचर्स की, तो मैं इसमें आपको बता दूं जियो म्यूजिक के बारे में, तो इसके माध्यम से आप अपने बहुत सारे जो है जियो के अपनी मनपसंद का गाना यहाँ से आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करने का भी ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जो इसके इसमें से आप अपना जियो की जो कॉलर टून है वो यहाँ से आपको सेट कर सकते हैं और अपने कॉलर्स को सुनाने के लिए फ्री में। दोस्तों यहाँ से आप ब्राउज करने के लिए आपको एक ब्राउजर भी दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आप अपने जियो का 4G नेटवर्क पर आप सर्च कर सकते हैं। इस वक्त देख सकते हैं आप यहाँ पर गूगल कितनी फास्टली ओपन हो गया। तो दोस्तों और बात करते हैं हम इसके, इसमें आपको वीडियो जो है वीडियो प्लेयर भी मिलेगा, आप यहाँ से वीडियो को प्ले कर सकते हैं। इस वक्त जो है इसमें कोई वीडियो नहीं है इसलिए आपको यहाँ नहीं दिखेगा, कोई वीडियो नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। इसके अलावा जो FM रेडियो है आप यहाँ पर इसमें FM रेडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको जो है आप यहाँ से इसकी फ्रिक्वेंसी कर लें, यहाँ कोई नजदीकी फ्रिक्वेंसी नहीं है तो यहाँ पर इसको नहीं करेगा। चलिए तो यहाँ से आप इसको जो है ये मैं इसको बंद कर देता हूँ, चलिए इसको बंद कर देता हूँ और हम बात करते हैं इसके अगले फीचर्स के बारे में। तो आपको यहाँ इसमें जो गैलरीज जो बाकी नॉर्मल फोन में मिलते हैं वही फीचर आपको इसमें मिलेंगे। और इसके अलावा जो है आपको ये जो वीडियो कॉलिंग ऑप्शन है वो आपको मैंने बता दिया कि आप केवल जियो फोन से जियो फोन इसमें कॉलिंग कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको स्मार्टफोन से वीडियो कॉलिंग करनी है तो आपको अलग से जियो चैट जो इसमें तो इंस्टॉल है लेकिन आपकी स्मार्टफोन में जियो चैट आपको इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद में आप उसके माध्यम से भी कॉलिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा इस फोन के बारे में रिव्यू। ये फोन जिस प्राइस पे मिल रहा है बहुत ही अच्छा है, इसे आप मार्केट से जो सेकंड पेज है इसमें जो है बुकिंग इसमें नहीं होगी और इसको आप सीधा मार्केट से आप अपने जियो स्टोर से जाकर खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ में अपना एक आधार कार्ड लेके जाना है और बस उस कस्टमर को आपको देने हैं 1153 रुपये और प्लस 500, यानी कि आपके हो जाते हैं 1650 रुपये। अगर आप उसको देते हैं तो ये फोन आपको मिल जाएगा, यानी कि 1500 रुपये इस फोन की प्राइस हो जाती है प्लस 153 जो होगी वो आपसे दुकानदार आपको इसका एक्टिवेशन चार्ज लेगा जिसमें आपको रिचार्ज करके दिएगा। दोस्तों ये था हमारा इस फोन के बारे में रिव्यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।